हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का दोनों पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दो एनसीईआरटी बुक है क्लास ट्वेल्थ की। तो हम पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं, उसका क्रैश कोर्स है, समझ लीजिए आप कि मैं दोनों एनसीईआरटी बुक को अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी की बुक है, उसके क्रैश कोर्स डिस्कस करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब जैसे मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं बता दूं कि इसमें कितने चैप्टर है। टोटल 8 चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, सोसाइटी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट बनी हुई है, तो सोसाइटी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कैसे आते हैं। जैसे आपको पता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, जैसे हमारा पता है सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में मान लिया होते हैं सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे मदर फादर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन, जो सारे रिलेशन होते हैं उसको सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं। और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जैसे मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्लास, ठीक है, जेंडर, सब सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इन सब में कैसे चेंज होता है। जैसे नॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे देखिए जैसे ही मैंने देखा चैप्टर देखा स्ट्रक्चरल चेंज, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोशल स्ट्रक्चर तो होगा, तभी तो उसमें चेंज आया है। यानी मान लो एक सोशल स्ट्रक्चर है कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें चेंज आने लगी, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आने लगा, तो उसमें अल्टरेशन होने लगा, तो इसको सोशल स्ट्रक्चरल चेंज बनते हैं। नेक्स्ट होता है कल्चरल चेंज। तो कल्चर में चेंज होने से पहले हमें ये तो समझना होगा ना कि कल्चर होता क्या है, कि हमें किस कल्चर की बात करते हैं, कि कल्चर है क्या। देखिए कल्चर एक वे ऑफ लिविंग है, जो आप कुछ करते हैं। देखिए कल्चर कभी भी जैसे फूड हैबिट क्या है, रहने का स्टाइल क्या है, पहनने का स्टाइल क्या है, कैसे आप किसी से बात करते हो, जैसे रिस्पेक्ट करना सीनियर का, किसी को फीट टच करना, ऐसे जब प्रणाम करना वगैरह जो होता है, या देखिए। और कल्चर जो भी होता है, हम कल्चर कहाँ से सीखते हैं, पहले हम किसी से लर्न करते हैं, सीखते हैं अपने अपने ऊपर वाले से। क्योंकि हम जैसे ही बच्चे को जन्म लेता है तो बच्चों को कुछ नहीं पता होता, वो क्या होता है, कुछ भी हो तो रो के बोलता है, हंस के बोलता है, दो ही चीज़ उसका आता रहता है। तो धीरे धीरे वो सोशलाइज होता है, सोशलाइज होने के साथ साथ वो उसी सोसाइटी, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उस सोसाइटी के कल्चर को सीखता है। तो अब जो कल्चर है उसमें चेंज कैसे आ गया, तो कल्चर में क्या होगा, वो पर्टिकुलर बच्चा कल्चर को लर्न करेगा, और क्या हो, जैसे ही बड़ा होगा तो क्या होगा, कल्चर को शेयर करेगा और कल्चर को ट्रांसमिट भी करता है जनरेशन टू जनरेशन। और उसी कल्चर में कोई चेंज आ गया, तो मान लो अंग्रेज आके उस हमारे कल्चर को ही चेंज, हमारे फूड हैबिट को चेंज कर दिया कि आप चावल दाल नहीं खाओ, आप ब्रेड वगैरह खाओ, ठीक है ना। तो कल्चर का चेंज अभी भी होता हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अंग्रेज जिस समय आया था उसमें चेंज हो गया बस रुक गया, नहीं, अभी भी होता है। आप खुद देख लो कुछ सालों में के अंदर के हमारे फूड हैबिट कैसे कैसे चेंज हो गए हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी के बारे में देखना है। इस चैप्टर में मेनली हम इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे इंडियन डेमोक्रेसी हमने अपनाया ही क्यों, और हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों अपनाया, कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाला, और भी बहुत टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या क्या डिबेट हुई थी उस समय जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया था। उसका नेक्स्ट है कि रूरल सोसाइटी में कैसे चेंज आते, जो हमारे पुराने सेल्फ रूरल सोसाइटी है, जिसके बारे में बोला जाता था कि लिटिल रिपब्लिक है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो इनमें कैसे चेंज आती है, और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे पंचायती राज के आने से, स्वराज ग्राम अभियान के आने से। देखिए तो मैं आपको क्या करूँगा, इसमें थोड़ा करेंट से भी लिंक कर दूँ, कि एक दो पॉइंट आपको करेंट अफेयर्स का पता चलने लगे ना, तो आपका आंसर बाकियों से, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसे हमने देख लिया रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज हुआ है, और अभी भी चेंज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है, क्या लेबर लॉज बने हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज।
देखिए ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपसे किसी भी टॉपिक टॉपिक से लिंक करके पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन पे कैसे पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ओल्ड एज पीपल पे क्या पड़ा, तो इससे ये सारे इशू हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे मार्केट पे, हमारे सोसाइटी पे, हमारे सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रक्चर पे कैसे, मिडिल क्लास को कैसे इम्पैक्ट किया, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये चैप्टर आसान है, बस देखें इसमें ये हमारा जो फेजेज वगैरह का दिखाया गया कि पहले क्या थी मास मीडिया, कैसे हम कम्युनिकेट करते थे, अब हम कैसे करते थे। पहले अगर न्यूज़पेपर हुआ करता था, सिर्फ रेडियो हुआ करता था, टेलीग्राफ हुआ करता था, अब इंटरनेट आ गया है तो कैसे कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट, देखिए सोशल मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है और बहुत आपको इनरिच कर देगा, बहुत सारे इशू से इनरिच कर देगा, आपको पता भी नहीं होगा इसमें इतना चीज़ डिस्कस करना है, ठीक है ना। जैसे इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या क्या मूवमेंट हुआ, जैसे हम जैसे चिपको मूवमेंट वगैरह एक एग्जाम्पल है, इसी टाइप के मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे हमने रिस्क बोला था कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, दो हमारे बुक है, एक बुक है इसका क्रैश कोर्स, आप समझ सकते हो इसको कि, और मैं ट्राई करूँगा अच्छे से समझाने का टॉपिक को, क्योंकि देखिए आपके पास नोट्स तो आपके पास है ही, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती जो समझ में ही नहीं आती है, जो पहली बार अगर कर रहे हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है मतलब, और सीधा रट के चले जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम में रिकलेक्ट करना, रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर कंसेप्ट को आप सही से समझ लो, और कंसेप्ट को सही से समझोगे तो कंसेप्ट को अच्छे से लिख भी करोगे, रिकॉल करोगे तो लिखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और प्लीज़ NCERT जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास उसी समय पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।